हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू सक्षम क्लासेस। इंडियन ज्योग्राफी में आज का हमारा टॉपिक है भारतीय द्वीप। द्वीपों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भारत में हम द्वीपों की संख्या देखते हैं तो वो हजार है। छोटे या बड़े द्वीपों को मिला के देखते हैं तो वो हजार द्वीप है। उनको हम बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के द्वीपों में हम इनका अध्ययन करेंगे। बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप है वो हमारी हिमालय पर्वतमाला की श्रृंखला है। एक म्यांमार देश में अराकामायोमा जो पर्वत श्रेणी है उसी के ही निम्नलिखित शिखर है जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप है। और अरब सागर में जो द्वीप है वो परवाल भित्ती के जमाव से इनका निर्माण हुआ है। हम सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की हम बात करें तो म्यांमार देश में इरावदी नदी प्रवाहित होती है। इरावदी नदी को म्यांमार देश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। म्यांमार जो देश है उसके जस्ट नीचे है इरावदी नदी का मुहाना है। इरावदी नदी नदी का मुहाना, इरावदी नदी है उसके मुहाने के जस्ट नीचे है वह प्रिपेज द्वीप। प्रिपेज द्वीप, इस द्वीप पर म्यांमार देश का अधिकार है। फिर है कोको द्वीप। कोको द्वीप पर भी म्यांमार देश का अधिकार है। कोको द्वीप पर भी म्यांमार देश का अधिकार है। फिर आता है कोको चेलन। बंगाल की खाड़ी का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप में कुल 572 द्वीप है। 572 द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी पोर्ट वेयर है। यहाँ जो अंडमान है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह सेकंड है, निकोबार द्वीप समूह। अंडमान जो द्वीप है उसको शहीद द्वीप के नाम से भी जानते हैं। शहीद द्वीप। निकोबार द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से भी जानते हैं। स्वराज द्वीप के नाम से जानते हैं। अंडमान जो द्वीप है उसमें कुल 550 द्वीप है। 550 द्वीप है। उनमें से 25 द्वीप है वहाँ जनसंख्या निवास करती है या आवासित द्वीप है। निकोबार में कुल 19 द्वीप है। उनमें से 13 द्वीपों पर जो है जनसंख्या निवास करती है, आवासीय द्वीप है। हम बात करते हैं, हम अंडमान द्वीप को चार भागों में विभाजित करते हैं। से हम बात करें फर्स्ट में उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है वो है सैडल चोटी। सैडल चोटी इसकी ऊंचाई है वो 738 मीटर है। उत्तरी अंडमान में ही भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंदम ज्वालामुखी। नारकोंदम ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर आता है हमारा मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट डियोवली है। माउंट डियोवली इसकी ऊंचाई है वो 515 मीटर है। मध्य अंडमान में भारत का जो ज्वालामुखी बेरिंग ज्वालामुखी स्थित है,
बेरिन ज्वालामुखी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर आता है दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट कोयोगो। इसकी जो ऊंचाई है वो 460 मीटर है। दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्टब्लेयर वो भी यही स्थित है। फिर है लिटिल अंडमान के मध्य दक्कन पास और यहाँ हमारा अंडमान सागर। दक्कन पास है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है और जो हमारी बंगाल की खाड़ी है और अरब अंडमान सागर है उसको जोड़ता भी है दक्कन पास। अब हम बात करते हैं निकोबार द्वीप समूह की। निकोबार द्वीप समूह को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है कार निकोबार, कार निकोबार द्वीप। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चेलन है जो इन दोनों को अलग करता है। 10 डिग्री चेलन लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। फिर आता है हमारा पांचाल चेलन। फिर एक छोटा द्वीप है ननकोरी द्वीप, ननकोरी द्वीप। फिर एक चेलन आता है वो सोमबेरो चेलन। सोमबेरो चेलन के जस्ट नीचे है लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार के बाद में है प्राइस सेलन। फिर आता है ग्रेट निकोबार के बाद में ग्रेट चेलन आता है। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट थुलियर। इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 642 मीटर। हम बात करें अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी वो सैडल चोटी, और अंडमान की बात करें तो वो सैडल चोटी, और निकोबार द्वीप समूह की बात करें वो है माउंट थुलियर जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। फिर ग्रेट चेलन है, यही भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट वो भी ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। हमने बात की अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, हमने देखा उसमें प्रिपेस जो द्वीप है वो म्यांमार देश, इस द्वीप पर म्यांमार देश का अधिकार है। फिर है कोको चेलन, इस पर भी म्यांमार देश का अधिकार है। फिर है कोको चेलन है वो हमारे म्यांमार देश और उत्तरी अंडमान को अलग करता है, या कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को कोको चेलन अलग करता है। फिर है उत्तरी अंडमान जिसकी ऊंची चोटी है सैडल चोटी, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य दक्कन पास है, इन दोनों को दक्कन पास अलग करता है। फिर है कार निकोबार के बाद में है पांचाल चेलन, फिर ननकोरी द्वीप, सांबेरी चेलन और लिटिल निकोबार, प्राइस चेलन और ग्रेट निकोबार। यह हमने बात की अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अब बात करते हैं हम अरब सागर के में द्वीप जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है लक्षद्वीप, उसकी हम बात करते हैं। सेकेंड नंबर पे है लक्षद्वीप।
जो 36 द्वीपों का समूह है। 36 द्वीपों में से 10 द्वीप है जहाँ जनसंख्या निवास करती है या आवासित है। लक्षद्वीप समूह है वो 32 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका निर्माण परवाल भित्ति से इसका निर्माण हुआ है। इसकी राजधानी है वो कवरत्ती, इसकी राजधानी है जो कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। और यह जो भारत का लक्षद्वीप है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के उत्तर में अमीनी द्वीप है, अमीनी द्वीप। दक्षिण में इसके मिनिकोय द्वीप है, मिनिकोय द्वीप। फिर आता है मालदीव। मालदीव और मिनिकोय के मध्य 8 डिग्री चेलन है, 8 डिग्री चेलन। मिनिकोय द्वीप और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चेलन है, 9 डिग्री चेलन लक्षद्वीप और मिनिकोय को अलग करता है और 8 डिग्री चेलन मिनिकोय द्वीप और मालदीव को अलग करता है। यहाँ हम बात करें कुछ और द्वीपों की, तो यहाँ जो लक्षद्वीप में एकमात्र हवाई अड्डा है जो अगस्ती द्वीप पर है, अगस्ती द्वीप पर है। लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा है जो अगस्ती द्वीप पर है। लक्षद्वीप समूह में नारियल की कृषि सर्वाधिक की जाती है, नारियल की कृषि। लक्षद्वीप समूह पर्यटक स्थल के लिए भी यह प्रसिद्ध है। यहाँ जो जनसंख्या निवास करती है जिनका मुख्य व्यवसाय है वो मत्स्य पालन है। ये बात की हमने लक्षद्वीप समूह की। अब बात करते हैं हम कि भारत के कुछ अपतटीय द्वीप हैं, जैसे हम बात करें नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मुहाने पर अलियाबेट और खलियाबेट द्वीप है, अलियाबेट और खलियाबेट द्वीप। मुंबई है जो सालसर द्वीप पर बसा हुआ है और यहाँ एक दो छोटे छोटे द्वीप है जैसे बूचर द्वीप, एलिफेंटा द्वीप और मन्नार की खाड़ी जो भारत और श्रीलंका के मध्य है वहाँ पम्बम द्वीप है, पम्बम द्वीप। चिल्का झील है जो कुड्डी, चिल्का झील जो परीकुंड द्वीप है, यहाँ चिल्का झील है जो उड़ीसा में स्थित है वो परीकुंड द्वीप पर स्थित है। एक यहाँ पे आंध्र प्रदेश में पुलकित झील है जो हरिकोटा द्वीप पर है, हरिकोटा द्वीप पर। गंगा नदी के डेल्टे पर दो द्वीप है जैसे न्यू मोरद्वीप, न्यू मोरद्वीप और सागर द्वीप। ये बात की हमने भारत के द्वीप समूह की। धन्यवाद।